भारतीय मजदूर संघ ने श्रम कानूनों के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत प्रदेश पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गांधी चौक हमीरपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के द्वारा मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ चेतावनी दिवस मनाया गया। मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष तिलक राज, महामंत्री प्रदीप सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने श्रम कानूनों को जल्द वापस लेने की मांग की। बाद में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से पीएम मोदी और केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन भी भेजा। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष तिलक राज ने कहा कि केंद्र के साथ वर्चुअल बैठक में हुई बैठक में ही निर्णय लिया गया था कि 28 अक्टूबर को चेतावनी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए लागू श्रम कानून हितकारी नहीं है और इसे वापस करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में केंद्र सरकार ने छेड़छाड़ करते हुए बदलाव किया है जो कि सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज भारतीय मजदूर संघ केंद्रीय श्रम मंत्री और पीएम मोदी को ज्ञापन भेजेगा। भारतीय मजदूर संघ केंद्र में वर्चुअल मीटिंग 2-3-4 अक्टूबर को पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि अक्टूबर का लास्ट सप्ताह जो है वो सभी कर्मचारियों से रूबरू होना और कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में अवगत करवाना, और आज 2 अक्टूबर 2020 को आज खंड स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक भारतीय मजदूर संघ जो अपना चेतावनी दिन मना रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए जो कि मजदूर विरोधी नीतियां अपना रहे हैं और साथ में जो श्रम कानूनों में आज का जो हमारा मेन विषय है वो श्रम कानूनों में जो केंद्र सरकार ने छेड़छाड़ की, बदलाव कर दिया। सभी कानूनों को एक्ट 2020 में लाया गया जो कि सभी मजदूरों के लिए वो विरोध का नियम है। तो आज भारतीय मजदूर संघ माननीय जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री केंद्र को अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि ये जो श्रम कानूनों में छेड़छाड़ की, पहले जहां 100 लोग काम करते थे वहां पे 300-300 लोगों का उन्होंने फंडा लगा दिया और सारे अधिकार जो हैं जैसे कि फैक्ट्रियों में जो लेबर लॉज के जो अभी इन्होंने एक्ट 2020 रखा, इसमें पहले 10 लोग अपना संगठन बना लेते थे लेकिन आज 100 लोगों की संख्या जो है उन्होंने निर्धारित कर दी कि 100 लोग होंगे तो संगठन बनेगा। ये सारा जो है वो जो हमारे लेबर भाई हैं, कर्मचारी हैं, ये सब विरोध में हैं। और केंद्र सरकार जो है पिछले लगभग 3 महीने से हमने उनको जो है वो केंद्र नेतृत्व में उनको ज्ञापन सौंप रखा है लेकिन केंद्र सरकार ने चेष्टा नहीं की। हालांकि मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारी वर्चुअल मीटिंग थी नेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे जो हमारे श्रम मंत्री हैं वो उसमें उपस्थित रहे, उनका संबोधन हुआ, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि भारतीय मजदूर संघ और केंद्र सरकार के बीच में थोड़ा तनाव दूर है लेकिन इसको पूरा करेंगे, मिल बैठ के इसका निपटाएंगे, लेकिन अभी तक आज तक वो मामला सुलझाने। साथ में एक निवेदन और करना चाहूँगा कि 2004 के बाद जो इम्प्लॉई चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, भारतीय मजदूर संघ कर्म तरीके से निवेदन करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, अन्यथा सभी कर्मचारी जो है वो सड़कों पे उतरेंगे और सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन देंगे, कोई संकोच नहीं करेंगे। भारतीय मजदूर संघ लाग लपेट नहीं करता, भारतीय मजदूर संघ जो कहता है वो करके दिखाता है। इसी तरह जो हमारी आंगनबाड़ी आशा वर्कर मिड डे मील उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं होते तो मिनिमम वेजेस उनको 18,000 रुपये प्रति माह जो है वो दिया जाए। हमारा बिजली बोर्ड है उसमें अधिकारियों की फौज जो है वो ऊपर तक भरी पड़ी है, हजारों कर्मचारी, मतलब मैं भी कहता हूँ कि पूरे हिमाचल में 1,000 के करीब अधिकारी होंगे लेकिन कर्मचारियों की सारी पोस्टें खाली हैं, लाइनमैन नहीं है, टीममेट नहीं है। आज जगह जगह जो है वो इसका टोटा पड़ा हुआ है। कर्मचारी जो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि
खासकर बिजली बोर्ड में जो सबसे बड़ा एक विभाग है उसमें जो है वो कर्मचारी को नियुक्ति दिए जाए, ताकि निचले स्तर तक वो काम जो है, जिस तरह ये अधिकारियों की फौज है भरी है, उनकी कुछ ऐसे अधिकारी बैठे उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन कर्मचारी फील्ड में जो अगर किसी का तार डालनी है तो वो बेलदार है टीम लेके डाल। जो श्रम कानूनों में छेड़छाड़ की केंद्र सरकार ने और कई सरकारों ने तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो मैं कहूँगा कि इसको जो है वो सरकारें तुरंत वापस लें, यथावत स्थिति रखें जैसे पहले थी। धन्यवाद।